उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह राय रिंकू जी, संजय चौहान जी, संदीप जी, नितीश जी, दिनेश राय, सरदार सिंह जी, और इस पांडाल पे अपनी गली में उपस्थिति में तमाम सभी लोग, एक एक नाम गिनाना शुरू करूँगा यहाँ से तो संभव नहीं है। श्री सुरवीर सिंह जी मेरे खत बहलार से है, मेरे नजदीक खत से है, और गोपाल सिंह भाई साहब हमारे बड़े भाई, और इस आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं बड़े भाई श्री खजान सिंह नेगी जी, उनके बगल पंडित जी है, और अनिल भाई, जयपाल जी, अमीन भाई, तमाम सभी लोग, एक एक व्यक्ति का नाम जान सकता हूँ मैं, गिनाना शुरू कर दे यहाँ से, परंतु समय का अभाव है और समय के दृष्टिगत देखते हुए सभी मैंने राशि से और मेरे से राशि तक के सभी युवाएं, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आए और आप लोगों के इस कमेटी के माध्यम से मुन्ना भाई, पुराने साथी हमारे, और आप लोग जब यहाँ आए, आप सब लोगों ने हमारा बहुत स्वागत और अभिनंदन किया, परंतु मासूम महाराज के और माँ काली के इस पृष्ठभूमि से, इस जन्मभूमि से स्वागत और अभिनंदन की वेला कभी तरफा नहीं होनी चाहिए। हम भी आपको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करते हैं। इस ग्राम उत्पाटा में और इस उत्पाटा समाजा में ऐसा नहीं है कभी हम लोग दूर दृष्ट आए नहीं, तकरीबन दसों बार इस ग्राम उत्पाटा में आए हैं, आज तो शादी हो गई है इस गांव से, और मैं जीवन में कभी टोपी पहनी नहीं, इसी गांव ने पहली बार टोपी पहनाई है, तो इस बात के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और जब हम लोग यहाँ पहले आते थे, हमारे जीवन का जुड़ा उस गांव से, इस तमाम गांव के एक एक घर से, यहाँ पर राय साहब है, साईं भाई है, आप सब लोगों से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव है। हम लोग जब यहाँ आते थे, आप लोगों से मिलते थे, आपसे बातें करते थे, आपका खाना खाते थे, तो आज के इस प्रतिष्ठ में हमारा आपसे पुराना संबंध है। क्योंकि आज इस मंच पे रामलीला का आयोजन हो रहा है, और इस रामलीला के आयोजन के दृश्य पे हम सब लोग इस रामलीला का मंचस कर रहे हैं। ऐसा स्थिति जब जब दशहरे का, दिवाली का ऐसे पर्व आते हैं, तो बारंबार ऐसा प्रतीत होता है कि रामायण को, महाभारत को बारंबार में दिखाया जाता है। आज मेरी उम्र भी 27-28 साल हो गई है, तमाम युवा बुजुर्ग माताएं बहने बैठी होगी, आप सब लोगों ने बचपन से लेकर के आज तक तमाम कई बार रामायण को देखा होगा, एक एक पात्र को जानते होंगे, राम, लक्ष्मण, सीता, रामायण के जितने भी पात्र हैं, रावण तक के। परंतु आज ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी, आज ऐसा क्या समय आ पड़ा कि दशकों के और शताब्दी से जो कालखंड चलते आ रहा है, उस कालखंड को भी हम जानने के बावजूद भी हमें बारंबार दिखाया जाता है। जब मैं इस बारे में विचार करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ, तो एक ही बात मन को विचार से स्पष्ट होती है कि हम लोग कौन है, हम क्या है, हमारी उत्पत्ति कौन है, हम क्यों आए हैं। और जब इस बात का मैं संदेह के साथ इसका विचार बढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारा मूल क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारे देवी धाम क्या है। और जब इस बात के लेकर के चिंतन होता है, तो भगवान रामचंद्र के इस रामलीला के मंचस का जो उदाहरण है और जीवन को प्रकाशित कर जाता है। इसीलिए बारंबार रामायण और महाभारत हमको दिखाने का प्रयास हमारे पूर्वजों ने और हमारे अभिभावकों ने किया है, परंतु हम लोग रामायण के दृश्य को कहीं बात देख करके अनसुना कर देते हैं। एक छोटा सा दृश्य रामायण का, आपका और मेरा संबंध आप इस उत्पाटा से कोई तत्काल क्षण के लिए नहीं है, मेरा संबंध आप सब लोगों से कहीं दशकों की पीढ़ियां जुड़ गई है, मेरा संबंध आपसे कहीं दशकों का हो चुका है। और अपने और आपके परिप्रेक्ष्य में एक घटना मैं रामायण की बता देता हूँ, शायद से आप लोगों ने देखा ना होगा, सुना होगा। जब भगवान राम का स्वयंवर हो रहा था, और भगवान राम के स्वयंवर में जब अयोध्या से जनकपुरी के लिए बरात जा रही थी, और जब बरात जनकपुरी पहुंची, राजा दशरथ की जब बरात जनकपुरी के दरबार पे थी, और जनक जी उनके दरबार में स्वागत के लिए खड़े थे, अचानक ऐसा दृश्य बना कि राजा दशरथ ने जनक जी के पैर पे झुक करके उनसे आशीर्वाद देने को कहा।
परंतु ये दृश्य होते ही जब जी घबरा गए। उन्होंने कहा, महाराज आपने ऐसा क्या अन्याय कर दिया कि आपने मेरे पैर को छुए? क्योंकि आप उम्र में बड़े हो, आपका राज्य मुझसे बड़ा है, आपका यश मुझसे बड़ा है, आपने ऐसा पाप करके मेरे ऊपर ही पाप की घड़ी बिठा दी है। परंतु राजा दशरथ जी ने कहा कि आपने जो अपनी बेटी सीता को मुझे बहू के रूप में, बेटी के रूप में देने का उपकार किया है, शायद ऐसा उपकार करने की शक्ति ईश्वर ने मुझे नहीं दी है, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोगों ने जो मेरे को उपकार किया है, इसके लिए भी मैं आप लोगों का नमन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। कहने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, परंतु हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़ा रखते हैं। हमारे जितने भी माताएं बहने युवा बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं आप सब लोगों से कि इस जोनसार पावर के पास क्या है, क्या था और क्या होना चाहिए, इस बात की जब हम चिंतन करते हैं, इस बात का हम मनन करते हैं, तो सिर्फ एक बात निकल के आती है राय साहब, वो बात है हमारी आपस की संवेदना, हमारी आपस की समझदारी, हमारे आपस की सेंसिटिविटी। जब हम लोगों की संवेदना जगती है तो चेतना जगती है, और चेतना जगती है तो जीवन प्रकाशमय हो जाता है, क्योंकि सत्ता की चेतना जड़ में नहीं, उसकी जड़ता से ऊपर उठकर चेतना में आ जाती है। और आप सभी तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग आने वाले 2052 के इस देश के राष्ट्र के निर्माण के निर्माण करता हो, जब जब व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, तो इसका सारांश पूरा रामायण से निकल के आता है। और आप सब नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आप जीवन में कुछ भी बन जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, जब तक अपने मूल से आप अस्तित्व के साथ नहीं जुड़ोगे, अपने मूल को आप नहीं अपनाओगे, जीवन का उद्धार कभी नहीं हो सकता। क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, आप सब जानते हो कि इस भारत वर्ष के अंदर कितने ही शासक आए, हड़प्पा सभ्यता, सिंध सभ्यता, इतनी बड़ी बड़ी सभ्यता थी जिन्होंने इस भारत वर्ष के अंदर राज किया, परंतु आज उनका नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ा, अपने मूल को छोड़ा। और यही असली जोनसार पावर के तमाम गांव में आने वाली है कि यदि नौजवान साथी अपने घर परिवार, अपने देवी धाम के बारे में चिंता नहीं करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि जोनसार पावर की इस धरती से लोगों का अलकाय हो जाएगा, इतिहास के पन्नों में हरा जाएगा, क्योंकि जोनसार पावर का क्षेत्रफल बहुत छोटा है। तो आप सब लोगों से निवेदन है, अपने घर, अपने परिवार के, अपने गांव के, अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के बारे में चिंतन करना चाहिए। बाकी रामायण आप सब लोग बहुत तरह से देखते आए हो, इस बात के लिए आप लोगों को धन्यवाद कि ऐसा रामायण का दृश्य मैं जीवन में कभी नहीं देखा जैसा आप लोगों ने यहाँ दिखाया है। जोनसार पावर कहीं गाँव में हम लोगों को जाने का अवसर प्राप्त होता है, कहीं मंचों पर बोलने का अवसर प्राप्त होता है, जैसा दृश्य ऐसा आप लोगों ने बनाया, ऐसा दृश्य मैं तो जोनसार पावर के 358 गांव में नहीं देखा हूं, इसलिए कि आप लोगों का धन्यवाद। बाकी आप सब लोग रामायण देखने आए हो, रामायण का आप जो लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए, धन्यवाद।